हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनी एग्जाम में। आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क के लिए मिनी मॉक टेस्ट 2 अटेम्प्ट करेंगे, जिसके अंदर आपके पास इंग्लिश, जीके जीए, रीजनिंग और कंप्यूटर से क्वेश्चंस रहेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास इंग्लिश से रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि अगर इस अंडरलाइन पार्ट की जगह कुछ करेक्शन है वो बतानी है, अगर करेक्शन नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको बताना है, सिंस द स्टॉर्म नॉक्ड इन द पावर वी हैव बीन यूजिंग कैंडल्स टू लाइट अवर होम। तो जो अंडरलाइन पार्ट है, क्या इसकी जगह कुछ और आ सकता है? अगर हाँ तो तीन ऑप्शन में से बताना है, अगर नहीं तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? द स्टॉर्म नॉक्ड इन द पावर। तो इसका सही आंसर होगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, द स्टॉर्म नॉक्ड आउट द पावर होगा। नॉक्ड आउट का मतलब होता है NOKNOCKED, नॉक्ड आउट का मतलब होता है किसी चीज में हिंड्रेंस करना या फिर रुकावट करना, रुकावट या फिर विफलता बोलते हैं। द स्टॉर्म नॉक्ड इन द पावर नहीं होगा, द स्टॉर्म नॉक्ड आउट द पावर होगा। मतलब जो पावर होती है, जो बिजली की बात हो रही है यहाँ पर, तो जब बिजली में सप्लाई में रुकावट आ जाती है तो हम क्या करते हैं, कैंडल जलाते हैं अपने होम में। तो नॉक्ड आउट आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला आपके पास है एरर है, आपके पास एरर बताना है इसमें। तो इसमें दिया गया है कि आवर टीम इज प्रिवेलिंग आवर फॉर्मिडेबल ओपोनेंट्स, सिक्योरिंग अ वेल डिजर्व विक्ट्री इन द चैंपियनशिप फाइनल्स। तो यहाँ पर एक इवेंट की बात हो रही है कि चैंपियनशिप फाइनल में क्या हुई थी, विक्ट्री हुई थी, वेल डिजर्व विक्ट्री हुई थी। तो एक पास्ट की बात हो रही है। तो चार ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, कौन से पार्ट में एरर है वो बताना है। तो अवर टीम इज प्रिवेलिंग पास्ट की बात हो रही है, तो इज प्रिवेलिंग नहीं आएगा यहाँ पर, अवर टीम क्या आएगा, प्रिवेल्ड आएगा। गलत है यहाँ पर, यहाँ पर आएगा प्रिवेल्ड, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पार्ट ए में एरर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास सिनोनियम से, अर्नेस्टली का आपको सिनोनियम बताना है क्या होगा। तो इसके लिए आपको पहले अर्नेस्टली का मीनिंग भी पता होना चाहिए। तो अर्नेस्टली का जो मीनिंग होता है वो होता है आपके पास सिंसियरली जो होता है, यानी कि दृढ़ निश्चय के साथ, जो सिंसियर होता है, सॉरी सिंसियर कह रहे हैं, सीरियसली जो होता है। अर्नेस्टली मतलब जो दृढ़ निश्चय के साथ होता है। इसका जो सिनोनियम होगा वर्डली का, मतलब अगर हम देखें तो वर्डली का मतलब होता है एक तरह से जिसमें बहुत सारे शब्द होते हैं, यानी कि बहुत सारे शब्दों वाला, उसे हम क्या बोलते हैं, लॉट्स ऑफ वर्ड, जिसके अंदर टू मैनी वर्ड्स, इसका मतलब क्या होता है, टू मैनी वर्ड्स। तो ये तो आंसर नहीं होगा। एम्बिग्यूसली का मतलब क्या होता है, एम्बिग्यूसली का मतलब होता है अनेक अर्थ प्रकट करते हुए, यानी कि जिसके मोर देन वन इंटरप्शन, बहुत सारे मीनिंग हो, हम उसे हम कहते हैं एम्बिग्यूसली कहते हैं। वर्बोसली का मतलब क्या होता है, वर्बोसली का मतलब होता है टू मैनी वर्ड्स, ठीक है ना। वर्बोसली का मतलब होता है बहुत सारे शब्दों का उपयोग जो करता है। तो वर्डली और वर्बोसली दोनों सिनोनियम है, एम्बिग्यूसली हो नहीं सकता। तो क्या बचा हमारे पास, सिंसियर जो होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो सिंसियरली हो जाएगा, यानी कि सच्चाई से या निष्ठापूर्वक जो होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है आपके पास फिल इन द ब्लैंक से, कहता है कि द डोमेस्टिक ऑर्डर एंड डैश ऑफ द किंगडम हैड बीन रिस्टोर्ड बाई हिज डैश फादर। तो जो डोमेस्टिक ऑर्डर है और क्या, ऑफ द किंगडम, किंगडम मतलब राज्य की बात हो रही हैड बीन रिस्टोर्ड बाई हिज डैश फादर। तो डोमेस्टिक ऑर्डर एंड क्या हो जाएगा आपके पास, ट्रैंक्वेलिटी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द डोमेस्टिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्वेलिटी, ट्रैंक्वेलिटी का मतलब क्या होता है, ट्रैंक्वेलिटी का मतलब होता है शांति, ट्रैंक्वेलिटी का मतलब क्या होता है, शांति होता है। और पेन स्टेकिंग का मतलब क्या होता है, मेहनती, जो मेहनती होता है। तो डोमेस्टिक ऑर्डर और शांति किसकी, किंगडम की, हैड बीन रिस्टोर्ड बाय हिज मेहनती फादर, यानी कि पेनस्टेकिंग फादर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर सेरेनिटी का मतलब क्या होता है, सेरेनिटी, ऑप्शन नंबर ए में ये जो दे रखा है, सेरेनिटी का मतलब भी क्या होता है, शांति ही होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम वोरेशियस की बात करें तो वोरेशियस का मतलब क्या होता है, भूखा, या हम कहें बहुत ज्यादा भोजन करने वाला, उसे हम कहते हैं वोरेशियस, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर है, ठीक है। कल्पेबल का मतलब क्या होता है, CULPABLE, कल्पेबल की अगर हम बात करते हैं तो कल्पेबल का मतलब होता है दोषी या फिर अपराधी जो होता है,
उसे हम बोलते हैं कल्पेबल। ठीक है, क्लीमेंसी का मतलब क्या होता है? क्लीमेंसी का मतलब होता है दया या फिर क्षमा करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला फिर से आपके पास एरर है। टैगोर गीतांजलि इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स। तो टैगोर गीतांजलि जो है वो शॉर्ट पोएम्स की क्या है? कलेक्शन है। तो टैगोर की गीतांजलि, तो टैगोर की बुक है गीतांजलि, तो टैगोर नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा? टैगोर्स आएगा। टैगोर की गीतांजलि यानी कि टैगोर के द्वारा लिखी हुई जो पोयम है गीतांजलि, वो क्या है? कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स है। तो ऑप्शन नंबर फोर में यहाँ पर एरर हो जाएगा। फिर आपके पास है क्वेश्चन करंट अफेयर से। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द फोकस ऑफ द स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टाटा एडवांस सिस्टम एंड सेटियोलॉजिक। व्हाट इज द फोकस ऑफ द स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टाटा एडवांस एंड सेटियोलॉजिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बिल्डिंग लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट इन इंडिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, कहता है कि इन विच लोकेशन इज इंडिया प्लानिंग टू ऑपरेशनलाइज अ न्यू रिसर्च सेंटर नेम्ड मैत्री टू। तो कह रहा है कि इंडिया प्लान कर रहा है ऑपरेशनलाइज न्यू रिसर्च सेंटर बनाने की, कहाँ पर? मैत्री टू का कहाँ पर? तो इसका सही आंसर होगा ईस्ट अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद द NPCI टू को डिवेलप हिंदी एंड इंग्लिश पेमेंट लैंग्वेज मॉडल्स फॉर हेलो UPI। तो हेलो UPI के लिए NPCI ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है टू डेवलप हिंदी एंड इंग्लिश पेमेंट लैंग्वेज? तो किसके साथ ये पार्टनरशिप की गई है? ये की गई है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि AI4 भारत एट IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑन फील्ड अंपायर। फर्स्ट वुमेन का नाम बताना है ऑन फील्ड अंपायर इन अ फुल मेंबर मेंस T20 ड्यूरिंग न्यूजीलैंड सेकेंड मैच अगेंस्ट श्रीलंका इन ड्यूडेन न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में जो मैच हुआ था, किसका? न्यूजीलैंड का और श्रीलंका का सेकेंड मैच था, उसके अंदर फर्स्ट वुमेन फील्ड अंपायर कौन थी? तो वो थी आपके पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, किम कॉटन। कौन थी? किम कॉटन थी। अगला है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली एड्रेस द लीडर लेवल प्लेनरी सेशन ऑन द समिट ऑफ डेमोक्रेसी ऑन March 29, 2023 विच कंट्री होस्टेड द सेशन। तो किस कंट्री ने ये सेशन होस्ट किया था? तो ये किया था किसने? आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इजराइल। अगला है, बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन ऑफ टेबल प्रॉपर्टीज। कंप्यूटर से क्वेश्चंस अभी आपके पास, करंट अफेयर खत्म हो गया है, इंग्लिश खत्म हो गई, अब है आपके पास कंप्यूटर से क्वेश्चन। तो कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन ऑफ टेबल प्रॉपर्टीज कैन बी यूज टू अप्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग इन MS Word 2007। तो बॉर्डर और शेडिंग ऑप्शन जो होता है वो किस इज कैन बी यूज टू अप्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किसके ऊपर ये अप्लाई होता है, कैन बी यूज किया जाता है? तो ये किया जाता है किसके लिए? आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बॉर्डर्स। तो बोला गया कि टेबल प्रॉपर्टीज के बॉर्डर और शेडिंग विकल्प का उपयोग MS Word 2007 में निम्नलिखित में से किसके लिए किया जा सकता है? अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ सेल अलाइनमेंट इन अ टेबल इन MS Word 2011। तो निम्नलिखित में से कौन से MS Word 2007 में टेबल में सेल संरक्षण का विकल्प नहीं है, यानी कि कौन सा एक ऑप्शन नहीं है किसका? सेल अलाइनमेंट का। तो कौन सा नहीं है? वो है आपके पास अलाइन अक्रॉस का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ मेन्यू बार इन MS Word 2007। तो इसमें से कौन सा एक मेन्यू बार का ऑप्शन नहीं है MS Word 2007 में? तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट। अगला, मैच द फॉलोइंग है, आपको मैच द फॉलोइंग बताना है। लिस्ट वन और लिस्ट टू आपको दे रखी है कि एंटर से क्या होगा, शिफ्ट प्लस टैब से क्या होता है, टैब से क्या होता है, एरो की से क्या होती है। तो जब आप एंटर प्रेस करते हैं
तो आपका कहाँ चले जाते हैं, सेल, नेक्स्ट सेल नीचे की तरफ चले जाते हैं, तो पहले का तो हो जाएगा बी। जब आप शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करते हैं तो आप यू मूव टू द नेक्स्ट, टू द लेफ्ट, एक सेल के लेफ्ट की तरफ आप चले जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। थर्ड की बात करते हैं, तो अगर आप सिर्फ टैब प्रेस करेंगे तो टैब आप नेक्स्ट राइट की तरफ चले जाएंगे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और एरो की अगर आप बात करते हैं तो एरो की क्या बताती है आपको, मूव यू इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो, तो इसका हो जाएगा आपके पास सी। तो फर्स्ट का बी है, सेकंड का डी है, और थर्ड का ए है, फोर्थ का सी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्स्ट फंक्शन ऑफ एमएस एक्सेल 2007, इनमें से कौन सा एक टेक्स्ट फंक्शन है, को टेक्स्ट फंक्शन नहीं है एमएस एक्सेल 2007 में, तो वो है कंबाइन, ऑप्शन नंबर आपके पास बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस हैं जो रीजनिंग से हैं। अब रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं पांच, इसमें आपको पैटर्न बताना है, तो आर बी डब्ल्यू पी दे रखा है, पी टी डब्ल्यू वाई आर दे रखा है, तो यहाँ पर अगर हम पैटर्न देखें तो आर से अगर हम टी की तरफ जाते हैं तो हमें प्लस टू करना पड़ेगा, फिर टी से हम वी की तरफ आएंगे तो भी हमें प्लस टू करना पड़ेगा, इसी तरह से वी की से अगर हम आगे की तरफ जाएंगे तो हमें क्या प्लस टू करें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो फर्स्ट आ जाएगा लेटर हमारे पास एक्स आ जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सेकंड अगर हम देखें तो आर के बाद, तो बी के बाद डब्ल्यू अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, -5 करना पड़ेगा, इसी तरह से इस डब्ल्यू के बाद अगर हमें वाई चाहिए, एक सेकेंड, इस डब्ल्यू के बाद अगर हमें आर चाहिए तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, -5 करना पड़ेगा, और फिर आर के बाद अगर हम माइनस यहाँ पर 5 करेंगे तो हमारा जो आएगा वो आएगा एम, और एक ही ऑप्शन में मेरे को एक्स के बाद एम दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो एक्स एम मेरे को मिल गया, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो पैटर्न है इसी तरीके से प्लस टू चल रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, अगला है आपके पास ब्लड रिलेशन से, कहता है कि एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई, एक्स जो है वो वाई का ब्रदर है, तो यहाँ पर हमने x बनाया, x ब्रदर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और किसका ब्रदर है, ये y का ब्रदर है। v इज द मदर ऑफ y, v जो है वो मदर है किसकी, y की, तो v ऊपर आ जाएगा, और ये मदर है तो इसके ऊपर हमने सर्कल कर दिया। m इज द सिस्टर ऑफ v's हस्बैंड, तो v का जो हस्बैंड है जो कि स्क्वायर में होगा, m उसकी क्या है, सिस्टर है, m इज द सिस्टर ऑफ v's हस्बैंड। n इज द ब्रदर ऑफ v, n जो है वो ब्रदर है किसका, वी का। देन हाउ इज द सन ऑफ एन, एन का जो सन होगा वो क्या लगेगा, किसका, वाई का, तो इन दोनों का रिलेशन बताना है, तो उसका क्या लगेगा, वो वाई का कजन लगेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, किन दो साइन को चेंज करें कि ये किसके इक्वल आ जाए, आपके पास 135 के इक्वल आ जाए, तो ये क्वेश्चन आप हमें ऑप्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा, किन दो साइनों को चेंज किया जाए कि इसका आंसर 135 के इक्वल आ जाए, तो ये चेंज करके बताएंगे, ठीक है ना, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द फेस अपोजिट द फेस ऑफ शोइंग 6, तो 6 के अपोजिट आपको बताना है कि क्या होगा, तो सीधी सी बात है 6 का अपोजिट आपको बताना है, तो हम यहाँ पर इसका करने का सबसे सही तरीका क्या है, आप ऐसे दो डाइस को उठा लो जिसमें नंबर सेम हो, तो जैसे यहाँ पर 3 है, इस डाइस में भी 3 है, इस डाइस में यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 हमें दिखाई दे रहा है, तो कौन सा फेस हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 6 दिखाई दे रहा है, और इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, तो 6 का जो अपोजिट है वो 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया हमारे पास, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर एडजस्ट करना है, इनको हमने डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अप्रूवल में ए पी है, यहाँ पर भी ए पी है, यहाँ पर भी ए पी है, यहाँ पर भी ए पी है, और इसमें भी ए पी है। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास पी दे रखा है, इसका थर्ड लेटर पी है, इसका थर्ड लेटर पी है, इसका थर्ड लेटर आर है, आर जो था वो पी के बाद आएगा, तो ये नहीं होगा फर्स्ट पे, और इसका थर्ड लेटर क्या है, पी है। आगे फोर्थ लेटर की अगर बात करते हैं, तो इसका फोर्थ लेटर आर है, इसका फोर्थ लेटर आर है, इसका फोर्थ लेटर आर है, इसका फोर्थ लेटर देखना नहीं है, इसका फोर्थ लेटर भी क्या है, आर है। फिफ्थ लेटर की बात करें तो यहाँ पर ओ आएगा, यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर भी ओ है, और यहाँ पर फिफ्थ लेटर ई आ रहा है, तो ओ से पहले ई आता है, तो सबसे पहले तो आ जाएगा 5, ये कट गया यहाँ से।
आगे बात करते हैं, इसका फिफ्थ लेटर जो है वो वी है, इसका पी है, इसका वी है। तो पी पहले आता है, तो इसके बाद आ जाएगा टू। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, अब यहां पर ए है और यहां पर क्या है, ई है। ए और ई है, तो ए पहले आता है, तो इसके बाद आ जाएगा वन, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आ जाएगा हमारे पास क्या, थ्री, और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास क्या, फोर। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी करेक्ट हो जाएगा। तो 5, 2, 1, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास मिनी मॉक टेस्ट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क के लिए, जिसके अंदर हमने इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीए और आपके पास जो है कंप्यूटर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करें जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मिनी मॉक टेस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू वेरी मच।